नमस्कार दोस्तों, भ्रूण हत्या न केवल इंडिया में बल्कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जी हाँ, अगर आप बात करते हैं भ्रूण हत्या की तो इसके अंदर सबसे ज्यादा आंकड़ा आता है लड़कियों का। कई लोगों की मेंटालिटी आज भी उतनी ही पुरानी है कि यदि हमारे घर के अंदर लक्ष्मी ने जन्म लिया तो वो लक्ष्मी का रूप लेकर धन दौलत तो लेकर आएगी लेकिन हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से ही लाखों घरों के अंदर भ्रूण हत्या पहले ही कर दी जाती है और इसी की वजह से उनके घर के अंदर लक्ष्मी भी जन्म नहीं ले पाती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इसके कारण दो हो सकते हैं। पहला, लोगों की मेंटालिटी। जी हाँ, अपनी मेंटालिटी को सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि अगर हमारे घर के अंदर लड़की ने जन्म ले लिया तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि बच्चे को जन्म देने वाली भी किसी की बेटी है और अगर उसने जन्म ना लिया होता तो आज वो आपके कुल के चिराग को रोशन नहीं कर रही होती। इसीलिए बेटा हो या बेटी हो, हमें हमेशा इक्वल ही रहना चाहिए, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो अपने आप को स्टेबल करके चलता है। अगर हम आज से ही बेटियों के लिए अपनी बाहें फैलाएंगे तो हो सकता है कि भगवान आपसे खुश होकर आपको बेटा भी दे दे, लेकिन भ्रूण हत्या जैसे घिनौने अपराध को करने से पहले आपको सोचना चाहिए। अक्सर या फिर आम तौर पर कहा जाए तो अब ये बहुत ज्यादा आम बात हो चुकी है। हर गली कुर्चे पर, हर लोकल हॉस्पिटल के अंदर या फिर कहा जाए तो कई कई सरकारी अस्पताल के बाहर भी छोटी छोटी नवजात बच्चियां दिखाई देती हैं, जिन्हें उनके माता पिता अपनाने से इनकार कर देते हैं, या तो उन्हें जन्म लेने से पहले ही अबॉर्शन करवा दिया जाता है, या फिर जन्म लेने के बाद अगर बच्ची पैदा हो भी जाती है तो उसे अनाथालय में छोड़ दिया जाता है या फिर सड़क किनारे किसी कूड़े के डब्बे में फेंक दिया जाता है। क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अपनी मेंटालिटी को सेट करने की जरूरत है ताकि आप अपने दोनों बच्चों से, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों से इक्वल प्यार करें, आपको भी परिवार का सुख मिले और आपके बच्चों को भी माता पिता का इक्वल प्यार मिल सके। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत ही पुराने जमाने में ऐसा होता था कि घरों के अंदर बेटों को काफी ज्यादा प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी दी जाती थी और वहीं दूसरी तरफ बेटियों को बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया जाता था, जिसकी वजह से ना ही उन्हें शिक्षा दी जाती थी, ना ही उन्हें बाहर घूमने की आज़ादी दी जाती थी और ना ही कोई और खुशी दी जाती थी। इसीलिए बेटियों के मन में भी ये खटास आ जाती थी कि माता पिता केवल बेटों से ही प्यार करते हैं, बेटियों से नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी बच्ची की माँ बनने वाली हैं और आपका परिवार इस चीज के लिए रेडी नहीं है तो आप अपनी बच्ची को जन्म जरूर दें और अपने परिवार को भी इस चीज के लिए राजी जरूर करें और उन्हें समझाएं कि बेटे और बेटी में किसी भी चीज का अंतर नहीं है। दूसरी बात यह हो सकती है कि अगर आप गर्भवती हैं और बाय चांस आपकी कोख में लड़की पल रही है और आपको किसी तरीके की कोई शारीरिक समस्या है तो आप अबॉर्शन करवा सकती हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी समस्या नहीं है तो आपको बिना किसी बात के लड़कियों का अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए। सो दोस्तों, भ्रूण हत्या में आप भागीदार बिल्कुल भी मत बनिए। अगर आपको ये पता चलता है कि आपके गर्भ के अंदर बच्ची है तो उसे जन्म जरूर दीजिए और इस घिनौने अपराध को करने से बच जाइए। इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।